हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये है मेरा पहला टेक स्टोरी। जैसे कि टेक्निकल गुरुजी बनाते हैं टेक टॉक्स, मैं सोचा क्यों ना हम टेक स्टोरी बनाते हैं। ये मेरा टेक स्टोरी एज वन है, तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं उस प्रकार मिसाल और आप लोग देख रहे हैं टेक मैन। तो दोस्तों, मैं आपके लिए 8 ऐसे टेक स्टोरीज लाया हूँ जो आपको शायद पसंद आ सकते हैं। तो आ जाते हैं हमारे पहले टेक स्टोरी के ऊपर, जो है मोस्ट अनयूजुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा। जी है दोस्तों, फेसिंग कैमरा हमारे जो सेल्फी कैमरा होते हैं वो बहुत ही अनयूजुअल है। अनयूजुअल कैसे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वीवो नेक्स ने निकाला था पॉपअप कैमरा, लेकिन अब ओप्पो इसे नए लेवल पर लेके जाना चाहता है। ओप्पो ने क्या किया है कि अनयूजुअल कैमरा निकाला है, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला जो बड़ा सा वाइडेस्ट नॉच है। तो इसमें आपको रेनो थोड़ा एक न्यू वर्जन आ जाता है जो ओप्पो कैमरा का होता है। इसके साथ आपको 10x जूम मिल जाता है और इसके मोबाइल के साथ आपको आ जाता है 710 क्वाडकम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। जी दोस्तों, आपने सही सुना, 710। सेकेंड टेक स्टोरी पे आपको आज मिल जाता है एहरप्स टू लॉन्च इट्स न्यू पावरफुल सर्च इंजन दैन गूगल। तो दोस्तों, ये कैसा मैंने अभी बोल दिया कि सर्च इंजन जो गूगल है सबसे वर्ल्ड का बेस्ट सर्च इंजन है और एहरेप्स इसे काटना चाहता है। मैं आपको बता देता हूँ ahrefs.com क्या है। ahrefs.com एक टूल है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक वेबसाइट है, एक सर्चिंग टूल्स है और इसका जो बैकलिंक होता है ये 15-20 मिनट में हर वक्त रिफ्रेश हो जाता है। और इसके SEO है जो डिमिट्री जेनासिमेंट्रो, उन्होंने बोला है कि एक अच्छा सा सर्च इंजन निकालेंगे जैसे गूगल से मोर पावरफुल होगा और ये बहुत ही अच्छा होगा। जो CEO जो होते हैं हमारे गूगल के, वो भी इस पर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं हमारे से भी कैसे एक अच्छा सा नया सर्च इंजन आ जाएगा। जी दोस्तों, एहरेप्स ये सोच रहे हैं कि मतलब एक बना रहे हैं ऐसा एक सर्च इंजन जो गूगल से बेहतर हो सकता है। थर्ड टेक स्टोरी के ऊपर जो है Xiaomi फोल्डेबल फ़ोन, ठीक है दोस्तों। जो साउथ कोरिया का जायंट मोबाइल कंपनी है सैमसंग, जी दोस्तों, तो सैमसंग ने भी फोल्डेबल कैमरा मतलब फोल्डेबल फ़ोन निकाला है जो है सैमसंग एक्स, गैलेक्सी एक्स। मैंने ये वीडियो बना चुका है, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। और चाइनीज स्मार्टफोन हुआई मेट एक्स, वो भी फोल्डेबल फ़ोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइनीज़ का बेस्ट कंपनी जो इंडिया में भी बहुत नंबर वन कंपनी है जो है MI Xiaomi। जी दोस्तों, तो Xiaomi भी चाहते हैं कि एक फोल्डेबल कैमरा निकाल, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा तो ऐसा वाला ही एक फोल्डेबल स्क्रीन आ रहा है। तो देखते हैं नया अपडेट क्या आ रहा है। टेक स्टोरी 4 के ऊपर जो है न्यू ऐप फ्रॉम एंड्रॉयड बाय मोज़िला फायरफॉक्स। तो ये एक ऐप एक नया आ रहा है जो पहले हम मैं बताना चाहूँगा कि हम जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब यूज़ करते हैं ईमेल को सिक्योर करने के या कुछ भी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार हम फॉरगेट कर लेते हैं ये पासवर्ड को। जी दोस्तों, बहुत बार हम पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है, ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन दिया जाता है या कुछ फ़ोन को कनेक्ट करिए बस हो जाते हैं। लेकिन ये जो न्यू फायरफॉक्स का लॉक बॉक्स एक आया है जो कि एंड्रॉयड ऐप है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, शायद ये डाउनलोड हो सकता है कुछ ही देर में या कुछ दिनों में आ जाएगा ये नया अपडेट। तो फायरफॉक्स एक लॉक बॉक्स यूज़ करें जो इटसेल्फ रीड करेगा वो पासवर्ड को, और आपको पासवर्ड मतलब याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कैसा, ये तो ज़्यादा से हैक हो सकता है। जी दोस्तों, आपने गलत समझा। तो जो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में हम जब टाइप करते हैं इनपुट जब देते हैं, तो वो जो आउटपुट जो लिखा रहता है हमारे स्क्रीन के ऊपर, तो वो वाला जो लिखा होता है वो स्टडी कर लाता है वो फायर लॉक बॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से कुछ ऐसे काम करते हैं, हम जानेंगे ये सब नए अपडेट्स नए टेक स्टोरी पे। हमारे फिफ्थ टेक स्टोरी के ऊपर जो है व्हाट्सएप बेटा वर्जन। वाह, ये क्या एक नया बेटा वर्जन ला लिया है व्हाट्सएप। तो ये आपको दे रहा है डार्क मोड। तो व्हाट्सएप ने सोचा तो ट्विटर में डार्क मोड आ गया, सब में डार्क मोड आ गया, यूट्यूब पे भी डार्क मोड आ गया,
क्यों ना हम डार्क मोड निकाले। जी हाँ दोस्तों, तो डार्क मोड ये बस कुछ मतलब अपीयरेंस के लिए है, जो चैट करते हैं उसमें डार्क थीम आ जाता है, वो बस स्टाइल के लिए दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब मतलब सॉरी व्हाट्सएप मोस्ट यूज्ड चैटिंग ऑप्शन है, तो उसी से ही ये इंस्पायर होकर तो बनाए हैं, तो अच्छा लगेगा, अपीयरेंस अच्छा होगा, चैट स्क्रीन में डार्क थीम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिक्स्थ टिकटॉक्स आपको मतलब टेक स्टोरी आपको मिल जाता है एप्पल आर्केड। ये एप्पल आर्केड क्या है दोस्तों? एप्पल आर्केड एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है iOS के लिए एंड आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब एप्पल आर्केड एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आपको मिल जाता है सब्सक्रिप्शन। तो 300 के मतलब 3 लाख गेम्स के आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। मुझे नहीं पता ये पेड है या अनपेड है, मुझे इतना लगता है ये पेड गेम्स पे ही सब्सक्रिप्शन हो सकता है। इसका बहुत ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस की आप बात कर लेते हैं, इसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेटर ग्राफिक्स मिलेगा, इसके साथ आपको मतलब कोई भी गेम्स जो आप खेल सकते हैं वो विदाउट इंटरनेट आ सकता है। जी दोस्तों, विदाउट इंटरनेट और नो एड्स। जी दोस्तों, तो देखते हैं क्या होता है इस अर्केड प्लेटफॉर्म जो iOS अभी बना रहा है। 7th ट्रिक पे आ जाता है, बट जो है एप्पल कार्ड ऑन पे। जी दोस्तों, एप्पल कार्ड, आई कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो हम जैसे जानते हैं सैमसंग मिनी पे होता है हमारे सैमसंग पे, वैसे ही एप्पल ने निकाला है एप्पल कार्ड। तो इस पे आपको मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं, फाइनेंशियल एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं। मतलब इस पे क्या होता है, एक मतलब फिजिकल वर्जन होता है और एक मेंटल वर्जन होता है। तो मेंटल वर्जन जो है आपके फ़ोन पे लोड रहता है, जैसे कि हमारा सैमसंग मिनी पे जैसा रहता है वैसे ही लोड होके रहता है, और जैसे कि आप मतलब नेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो फिजिकल वर्जन में आपको मिल जाता है वो जो कार्ड बना रहता है वो टाइटेनियम का है। जी दोस्तों, टाइटेनियम का है, और इस पे सिर्फ आपको नाम लिखा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पे आपको सिर्फ नाम लिखा दिया जाता है, और जो सब कार्ड नंबर है वो डाटा में स्टोर हो जाते हैं, और ये न्यू कैशबैक देता है। मतलब बहुत सारे मतलब एप्पल कार्ड के बहुत ही सारे फीचर्स हैं, आप अगर चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं एप्पल कार्ड के बारे में। तो दोस्तों बस इतना ही था। अगर मेरा ये टेक स्टोरी अच्छा लगा, अगर अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो मैं टेक स्टोरी #2 बनाना मैं ज़रूर ही चाहूँगा आपके लिए। और थैंक यू दोस्तों, मैं 1K सब्सक्राइबर के आसपास आ रहा हूँ। अगर मेरा ये वीडियो कोई भी मतलब 1K सब्सक्राइबर के बाद देखे तो बुरा मत मानिएगा, इट्स अ रिलेटेड। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही था, तो धन्यवाद दोस्तों। जैसे टेक्निकल गुरु जी बोलते हैं, जय हिंद। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे टेकमेक चैनल को, और हमारे टेकमेक चैनल को बहुत सारे सब्सक्राइबर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।